में गांव से शहर की ओर भागते हैं, पर शहर में भी परेशानी है। रोजगार पूरा नहीं मिलता, औरतों को भी काम करना पड़ता है, और उसके साथ साथ क्या अनुभव होता है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये करो वो करो, यही भागदौड़ बनी रहती है। कदम कदम पर छोटी छोटी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, और ये समस्याएं कभी कभी बहुत बड़ी भी हो जाया करती हैं। मैं ये फटी कमीज और नहीं पहनूंगा। बहन जी, तो मेरी बस तो चांद फिटती है। तो मत जा स्कूल, तुझे पढ़ लिख के करना ही क्या है, वो तो लड़का है। नहीं, मैं स्कूल जाऊंगी, मैं स्कूल जाऊंगी। जबकि ना कुछ मांगता उसे सब कुछ देती हो, मुझे कुछ भी नहीं देती हो। अच्छा अच्छा, ये रोना चिल्लाना बंद करो, पैसे मिले नहीं है, रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। इस बार तो कागज भी ज्यादा है और मेहनत भी करी है, पैसे भी ज्यादा मिलने चाहिए। बस इतने? क्यों, और कितने होंगे? हिसाब किताब कुछ आता है? बस मुंह उठाया और कह दिया इतने। लाला जी, पहले मैंने कभी आपसे कुछ कहा है? आप जो भाव लगाते मैं चुपचाप ले लेती हूँ, लेकिन इस बार तो हर बार से दुगने लिफाफे बनाए थे। कमर टूट जाती 8 घंटे जमीन पर बैठ के लिफाफे बनाने में। तो मत बना, कोई जोर जबरदस्ती है? मैं गड़बड़ का धंधा तो करता नहीं हूँ। और देख, तेरा हिसाब सब खाते में लिखा है और तेरा अंगूठा भी लगा है। अब जा, मेरा टाइम खोटा मत कर, और भी ग्राहक खड़े हैं। हाँ बहन जी, आपको क्या दूं? मां, मेरी किताबें नहीं आएंगी। जरा ठहरो। हाँ, तो आपने कितने किलो रद्दी लिफाफे बनाने के लिए दी थी? ये वजन दिखाया। भाई बताइए, अपना किलो का वजन कितना है? ये है 1 किलो और ये है 500 ग्राम।
अच्छा तो फिर उस हिसाब से और ये हिसाब से जोड़ के तो ये सही नहीं बनता है ना। हुआ ना ज्यादा बड़ी कृपा की बहन जी आपने। अब ये मोया का कभी काम नहीं करूंगी, जाने मुझसे कब से ठग रहा होगा ये मोया। क्या हुआ? ये नहीं तो कोई और तुम्हें धोखा देगा, तुम्हारे अनपढ़ होने का फायदा उठाएगा। लेकिन क्या करूँ बहन जी, मेरे माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया नहीं। हाँ ये जरूर सोच लिया मैंने, ये मेरी बेटी को जरूर पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी। माँ रात को तो तुम बोल रही थी मत जाओ स्कूल। रात को कल थी, अब मुझे पता चल गया लड़की के लिए भी अपना पढ़ाना लिखाना जरूरी है। वो तो ठीक है, लेकिन तुमने कैसे सोच लिया कि सिर्फ बच्चों पढ़ सकते हैं? अगर तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पढ़ा लिखाया नहीं तो क्या अब नहीं पढ़ना लिखना सीख सकती? अब मैं पढ़ू? नहीं बहन जी, अब तीन बच्चों का समय है, हमारा समय तो गया, अब मैं कहाँ पढ़ लिख सकती हूँ। क्यों नहीं, मैं यही तो काम करती हूँ। शाम के समय जब घर का सारा काम खत्म हो जाता है तो मैं आसपास की औरतों को पढ़ना लिखना सिखाती हूँ। बोलो तुम आओगी? माँ जाएगी ना। अच्छा तो कोशिश करूँगी बहन जी। बहन जी मैं भी आ सकती हूँ। क्यों नहीं, मेरे यहाँ तो बच्चों से लेकर बूढ़ी दादी तक आती है। भैया कौन से नंबर के पास है? आओ आओ अपनी पास है। छाया अगर पढ़ी लिखी होती तो बनिया उसको धोखा नहीं दे सकता था। छाया और छाया की तरह की बहुत सी बहनें पढ़ी लिखी नहीं हैं और न ही संगठित, इसीलिए वह बनिए ठेकेदार और बिचौलियों के चंगुल में फंस जाती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि औरत काम क्यों करती है? दिन भर इतनी मेहनत करने के बाद वह आमदनी क्यों बढ़ाना चाहती है? इसीलिए न कि वह अपने बच्चे और परिवार को बेहतर जीवन देना चाहती है। इतना सब करने के बाद भी बच्चे बीमार हो जाते हैं, कई बार बहुत खतरनाक रूप से बीमार हो जाते हैं। शायद आप में से बहुत सी बहनें जानती होंगी कि सरकार का एक टीका लगाने का कार्यक्रम है, अगर बचपन में ही बच्चों को ये टीके लगवा लिए जाएं तो कई भयानक रोगों से उनको बचाया जा सकता है। पोलियो की बीमारी में हाथ पांव में लकवा मार जाता है, शुरू में अंगों में दर्द होता है और चलने व हाथ हिलाने में तकलीफ होती है। इस बच्चे को गलघोट हुआ है, इससे बच्चे को खाने में सांस लेने में तकलीफ होती है क्योंकि गले में एक सफेद झिल्ली सी बन जाती है। काली खांसी जिसके लक्षण है लगातार खांसी, जिससे सांस लेने में भी परेशानी होने लगती है। टेटनस यानी धनुषभा, बदन अकड़ जाता है, मुंह खोलने तक में परेशानी होती है। कभी कभी दौरा भी पड़ जाता है। तपेदिक में बच्चा सुस्त और थका हुआ रहता है, उसे हल्का बुखार होता है और वजन कम हो जाता है। खसरे में बुखार के साथ साथ पूरे शरीर में लाल दाने हो जाते हैं, बच्चा कमजोर हो जाता है। अगर समय से टीके लगवा दिए जाए तो इन सब खतरनाक बीमारियों से बचाव हो सकता है। आपके इलाके में भी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र होगा, वहाँ जाइए और पता करिए कि इन टीकों को कब लगवाया जाता है, और आप भी अपने बच्चों को जरूर टीके लगवाइए। आमतौर से लोगों की ये धारणा होती है कि औरतें कई ऐसे काम हैं जो नहीं कर सकती, पर ये क्या धारणा सही है? देखिए, औरतें लोहार का काम करती हैं, औरतें कारपेंट्री भी करती हैं, लकड़ी का काम, मेहनत का काम, औरतें रिक्शा भी चलाती हैं, औरतें सब्जी भी बेचती हैं, बीड़ी भी बनाती हैं, चिंदी का काम भी करती हैं।
और इन सब कामों के साथ साथ इस लायक औरतें हैं जो अपने ही पांव पे खड़ी भी हो सकती हैं और खुद अपना बैंक शुरू करके और सफलता से बैंक भी चला सकती हैं। मेरे धंधे वाली बहनों को तो कोई सहारा नहीं। पहली मुसीबत मूड़ी की, हम उधार माल लाते तो मेरी बहनों के पास पैसा ना हो तो मेरे तो धंधे में मूड़ी की मुसीबत है। तो दूसरी बात कि हमको म्युनिसिपैलिटी हैरान बहुत करती है, मेरा माल भर जाती है, दंड लेती है। अभी अभी बैठ सकते हैं, अभी मेरे को कोई पुलिस वाले की हैरान गति नहीं है। पहली बहुत पुलिस वाले की हैरान गति हुई थी, मेरे को मोटर आती थी, मेरे को बाल उठा जाती थी, अभी मेरे को हैरान गति नहीं है। शुरू बात थी हम सेवा की, शुरू बात थी हमें सेवा शुरू हमने करी है। पाला बहनी वाड़ी बहनों का संगठन करके बगीचा में 20-25 बहनों को बिठा के सेवा की शुरू करी है हमने। आप इधर सेवा में पहली बार कब आए, कितने साल पहले? अभी कम से कम 4 साल से ज्यादा हुआ। 4 साल से इधर आते हैं, क्यों आते हैं इस बैंक में? ये बैंक में हम कथा करते हैं, लोन निकालते हैं, फिर अपना काम कर्जे होएगा ना उसको थोड़ा माल लेके ले इधर से बैंक में से पैसा निकालते हैं। सेवा बैंक एक सहकारी बैंक है, यहाँ पर खुद धंधा करने वाली बहनों के खाते हैं और जिन बहनों के इसमें शेयर हैं वही इस बैंक से कर्जा ले सकती हैं। इस बैंक को शुरू करने से क्या सहूलियतें मिली हैं? खाता भी खोला और लोन भी उठाते, जो अपने पास जो बचत होती है तो कभी महीने में भर देते, कभी 2 महीने में भरते, कभी होते तो वापस उठा ले भी लेते वापस पीछे। हमारे को 10 बरस हो गया। 10 बरस से कर रहे हैं। अच्छा, इस काम में के लिए आपने कोई मदद भी कहीं से ली है? मदद लिया, अभी लिया सेवा में से। क्या मदद ली? पैसे उठाए सेवा बैंक से। बैंक के से। कितने पैसे उठाए? 2000। जब आप बैंक में कर्जा निकालने गए तो कोई परेशानी नहीं आई? नहीं आई कोई, जवाबदारी मांगा दूसरी भाई, एक जवाबदारी दे दी है और 100 रुपये का शेयर लिया हमने। आपने 100 रुपये का शेयर लिया? हाँ। तो जो कर्जा लेते हैं उनको शेयर लेना पड़ता है? शेयर लेना पड़ता। सेवा में जाने से काफी फायदा हो गया, जो ठेकेदार हमको हमेशा हमको दवान दे देते, वो दवान भी नहीं दे सकते हमको, बोल भी नहीं सकते है, वैसा कायदा कानून से बात करते हैं। क्या काम करते हैं? हम सुथारी काम करते, लवारी काम करते, सब बहनों को लोन दिलाते, सगरी चूल्हा बनाते, टेबल बनाते, फर्नीचर का धंधा जानते। नहीं, पर आप यहाँ आज क्यों आए? आज बोर की मीटिंग थी। बोर की मीटिंग में क्या बातचीत होती है? बोर की मीटिंग में कि अच्छी बहनों होगी, हफ्ता भरेगी और लोन वापस भरेगी, उसको लोन देगा हम। सेवा बैंक में 15 बोर्ड मेंबर हैं, जो कि अलग अलग धंधे से हैं। इनमें सब्जी बेचने वाली,
पुराने कपड़े लेके बर्तन बेचने वाली, लोहार का, चिंदी का, बंदेज का और अलग अलग काम करने वाली औरतें हैं। इस बोर्ड की मीटिंग महीने में एक बार होती है, जिसमें कि पूरे महीने के बारे में बातचीत की जाती है। ये बैंक बहनों का अपना बैंक है, बहनें ही चलाती हैं, बहनों के ही खाते हैं और काम करने वाली भी बहनें ही हैं। कर्जा पहली बार जब निकाला तो आप तो पढ़े लिखे नहीं है। नहीं लिखा पढ़ी है, पर अपने के चिट्ठी कोई फाड़ के देगा ना उतना ही भरना पड़ता। जो चिट्ठी फाड़ के देता है वो चिट्ठी लिख के देता अपने को अंदर से, वो चिट्ठी दूसरे से बताएगा तो बराबर आ जाता। इस सब के अंदर ऐसा घोटाला नहीं नहीं है। पर खाता खोला कैसे, आप तो दस्तखत नहीं कर सकते। हम अंगूठा लगाते हैं, सब लिखते हैं। ये इसकी चौपड़ी है ना, ये अंगूठे वाले, तो उसके पासबुक में हम लिख देते हैं, उसको बताते हैं कि देखो तुम्हारा इतना पैसा था और तुमने 10 भरा तो इतना हुआ, उसको समझाते हैं, उसको बराबर समझा देते हैं तो मान जाते हैं। आप फील्ड में जाती हैं? हाँ, मैं पहले फील्ड में जाती हूँ। अच्छा। हमारा मिलों में बहनों का खाता है, फिर रोड पर साग भाजी बेचते हैं वहाँ सबका खाता है, घर पर काम करते हैं वहाँ सबका खाता है, तो वहाँ मैं जाके उसके पास से पैसे ले आती हूँ, वहाँ सबसे पास से बचत ला के हम देखो ये स्लिप भर रहे और यहाँ जमा करते हैं। हमारे बैंक में हम ये तो लोन के साथ साथ पूरे और सेवाएं भी हम देते हैं। वो है कि इनको सबसे पहले ट्रेनिंग कि मतलब कि तो मुनाफा क्या है और खोट क्या है, फिर अपनी पूंजी क्या है, फिर मतलब गलत खर्चे कौन से है। औरतें कमाती है लेकिन अपनी अपनी खुद की मालिकी बहुत कम होती है, तो अपना बैंक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। और इनके लिए कानून होते पर भी इनकी इतनी ताकत नहीं है, संगठित ताकत, कि वो अपने अपने जो कानूनी हक है वो अमीन मांग सके। इसीलिए फिर संगठन बहुत ही आवश्यक था, तो इसलिए संगठन भी किया। और जो बैंक का भी जो काम है वो भी वो पूरा उसका जो फील्ड वर्क है वो भी सेवा मतलब वो जो संगठन से वो होते हैं। सेवा सहकारी बैंक इस सफलता को बताता है कि औरत सब कुछ कर सकती है, हाथ का काम भी कर सकती है, दिमाग का काम भी कर सकती है, मेहनत का काम भी कर सकती है। कौन पाठ पढ़े